रामायण में आपने शूर्पणखा के बारे में तो सुना ही होगा। शूर्पणखा रावण की इकलौती बहन थी। शूर्पणखा लंका में ही रहती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके 10 और रहस्य के बारे में? रावण ने शूर्पणखा के पति को क्यों मारा? शूर्पणखा राक्षस कैसे बनी? शूर्पणखा के पति का नाम क्या था? शूर्पणखा किसकी बेटी थी? शूर्पणखा का बेटे का क्या नाम था? शूर्पणखा पूर्व जन्म में क्या थी? शूर्पणखा की बेटे को किसने हत्या की? कैसे शूर्पणखा पिछले जन्म में इंद्र भगवान की प्रेमी थी? इस वीडियो में विस्तार से पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। रामायण के दुष्ट पात्रों में से एक शूर्पणखा रावण की बहन थी। शूर्पणखा के पास भी राक्षसी शक्तियां थीं, जिससे वह अपना रूप बदल सकती थी। शूर्पणखा का पहले ही विवाह हो चुका था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा एक राक्षस कुल की कन्या थी और उसका पति दैत्य कुल से होने के कारण रावण शूर्पणखा के विवाह से क्रोधित हुआ करता था, लेकिन शूर्पणखा के लिए उसने दूसरे कुल में विवाह को स्वीकार किया। सवाल यह उठता है कि जब रावण ने शूर्पणखा के विवाह को स्वीकार कर लिया तो वह उसके दुर्भाग्य का कारण कैसे बना? शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्व था और वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर जीत हासिल की थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तब उसे अपने भाई रावण पर अत्यंत क्रोध आया। इस घटना के बाद से ही शूर्पणखा अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानने लगी थी। शूर्पणखा रावण की बहन होने के बाद भी शूर्पणखा रावण का विनाश चाहती थी। उसके पति की मृत्यु के कारण क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। यही वो कारण था जिसके चलते शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से बैर लिया और अपनी दशा दिखाकर रावण को सीता का हरण करने के लिए उकसाया। सीता हरण के चलते ही अंत में रावण का सर्वनाश हुआ था। शूर्पणखा का असली नाम मीनाक्षी था, क्योंकि उसकी आंख मछली की आंख के समान सुंदर थी और कुछ लोग उसको चंद्रलखा भी पुकारते थे। उसको शूर्पणखा का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उसके नाखून सूर्प की तरह है। रंगनाथ रामायण में एक सर्वथा नई कथा मिलती है जिसके अनुसार शूर्पणखा को एक पुत्र था जिसका नाम जम्बूमाली था। कथा के अनुसार जब रावण ने अपने बहनोई विद्युत जिह्व का वध कर दिया, उस समय शूर्पणखा 6 महीने की गर्भवती थी। वह लंका के राजा रावण की बहन और राशि विश्रवा और राक्षसी कैकेशी की बेटी थी। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक आश घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण आश की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा राशि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का शाप दे दिया। आर्षि से क्षमा याचना करने पर वज्रा आर्षि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भूसंचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक राशि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण आशी की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा अर्षि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। अर्षि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जहां शूर्पणखा की नाक कटी वह स्थान नासिक नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये था हमारी पूरी जानकारी। अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक कर दें।